हाँ, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस या ईएस का यूज़ बताऊँगा और ज़िंदगी में भूलोगे नहीं ऐसी ट्रिक से बताऊँगा। जो 8-10 रूल बताऊँगा उसमें कंप्लीट आपके सारे के सारे सिंगुलर से प्लूरल बनाना या फिर एस या ईएस कहाँ लगेगा यानी एक वचन से बहुवचन बनाना सब कुछ आज समझने वाले हो आप। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारी ग्रामर पढ़ लो, सारे रूल्स पढ़ लो, लेकिन जब आपको एस या ईएस का लगाने का यूज़ समझ में नहीं आएगा, कब प्ले का प्लेज हो जाता है, कब वॉच का वॉचेज हो जाता है, मतलब कब एस लगता है कब ईएस लगता है, ये बड़ा इश्यू है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आगे जब पढ़ाई करोगे आप, नौकरी के लिए तैयारी करोगे, तो बहुत साथ ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके उठ के आता है और वहाँ पर हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो वो बिल्कुल मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेके पूरे जितने भी इसके रूल बनते हैं, इसके अलावा आपको एस या एस हैं या सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाली चीज़ अब कहीं नहीं पढ़नी इस एक ही वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, अब समझना क्या है कि जैसे पहले छोटी सी बात बताऊं मैं आपको कि जैसे अपन कोई एग्जांपल लेते हैं कि बॉय, ठीक है, ये हुआ सिंगुलर। एक बार पहले पूरी स्टार्टिंग समझना ना, ज़ीरो से। सिंगुलर का मतलब एक वचन, इसी का आपने जब प्लूरल बनाया मतलब बहुवचन बनाया तो आपने क्या लिख दिया, बॉय, बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। एक बार थोड़ी हिंदी भी लिख दो थोड़ी सी, बाकी हिंदी वाले बच्चे ये ना सोचे कि हिंदी लिखनी, इसमें हिंदी नहीं लिखनी, सिंगुलर प्लूरल ही समझना है आपको। एक लड़का बहुत सारे लड़के, मतलब दो या दो से ज़्यादा लड़के। ऐसे ही आपने कहा काऊ, ठीक है, तो क्या कर लिया, काउज हो गया, एस लग गया। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लेता हूँ जैसे कि बस है। अब बस का हो गया बसेस। अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ पर ईएस लगाया, काऊ था यहाँ पर एस लगाया, बॉय था एस लगाया, ये क्या सिस्टम है? यहाँ पर ईएस क्यों आया, एस क्यों नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर ए सी क्यों आया, ई एस क्यों नहीं आया? बहुत सारे ऐसे रूल बनते हैं जो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन ये जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके सारे आज आप सीखने वाले हो। 8-10 रूल लिखाऊंगा मैं आपको, उन रूल्स को आपको, उन नियमों को आपको याद करके रखना है, एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? तो हेडिंग लगाओ रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जब भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में लिखेंगे सबको समझ में आ जाएगा, जब भी किसी नाउन, मेरी बात को समझना, नाउन का मतलब संज्ञा होता है, कोई वर्ड किसी नाउन के लास्ट में, पूरी बात को समझना, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एस 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 एच सी एच एक्स या जेड, मेरी बात को समझ लो अच्छे से, जब भी किसी नाउन के या फिर ऐसे हमारे कोई स्पेलिंग के पीछे एस 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 एच सी एच एक्स या जेड मिले, तो हमेशा ध्यान समझना, तो हमेशा हमेशा ई एस लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? हमेशा क्या लगाना है, ई एस। जब भी किसी वर्ड के पीछे एस 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 एच सी एच एक्स या जेड मिले तो हमेशा वहाँ उसके पीछे क्या लगाना है, ई एस। जैसे लाइक मैं एग्जांपल लूँ, बस फिर समझ में आएगा आपके, जैसे अपन ने बात करी वॉच, डब्ल्यू टी सी एच, तो लास्ट में क्या है, सी एच। मेरी बात समझ में आ गई? तो जिसके लास्ट में सी एच हो क्या बनेगा इसका, बहुवचन या प्लूरल, वॉचेस, डब्ल्यू टी सी एच ई एस, पूरी की पूरी स्पेलिंग वही रहेगी वॉच की, बस ई एस इसको जोड़ना है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, ई एस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूँ, बस अभी लिया था, चलो बस फिर से ले लेते हैं, लास्ट में क्या एस, लास्ट में क्या हो एस, तो क्या लगेगा, बसेस, बस तो है ही ई एस। मेरी बात समझ में आ गई? फिर ऐसे ही सेंटेंस कुछ और ले लो, जैसे फिक्स, लास्ट में एक्स है ना, तो देखो फिक्स लास्ट में एक्स है तो इसके आगे भी क्या लगेगा, फिक्सेस, एफ आई एक्स ई एस, मतलब जिसके भी पीछे एक्स हो ई एस लग जाएगा। फिर अपन ऐसे ही कुछ लेते हैं, एस एस का ले लिया, हाँ इसका लेते हैं एस एस का, जैसे अपन लिया आस, आस मतलब जंगली गधा होता है ना, ए डबल एस, तो इसके पीछे क्या है, डबल एस, तो डबल, ये तो स्पेलिंग पूरी रहेगी, बस ई एस लग जाएगा, ठीक है। चलो एस एच भी हो गया, सी एच भी हो गया, एस एस भी हो गया, अब एक्स भी हो गया, अब कौन मच गया, अब एक अपन लेते हैं जेड से, डबल एस हो गया ना, हाँ क्लास का भी ले सकते हो, जैसे क्लास है, क्लास का हो गया क्लासेस, क्योंकि लास्ट में क्या है, डबल एस है, डबल एस के आगे ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो आपके काम आएंगे। ऐसे ही जेड का ले लो, जैसे क्विज, क्विज, तो क्विज का क्या हो जाएगा, क्विजेस, ये तो स्पेलिंग पूरी रहेगी एज इट इज,
बस ईएस लग जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल उतार लो आप। फर्स्ट रूल यही था कि जब भी किसी नाउन के पीछे एस 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 एच सी एच एक्स जेड मिल जाए तो उसमें आगे हमेशा ईएस लगाना है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड है, ये बड़ा इजी है। सेकंड रूल लिखो कि जब भी आपको लास्ट में, लास्ट का मतलब किसके लास्ट में, नाउन के, वो तो सेम है, आप शॉर्ट में समझ लो, जब भी किसी नाउन के लास्ट में ओ हो, मेरी बात समझना, जब भी किसी नाउन के लास्ट में क्या हो, ओ हो, तो भी हमेशा क्या लगेगा, ईएस लगाना है। समझ में आ गई, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि जो अपने फर्स्ट रूल लिखा था ना थ्योरी वही रहेगी, वहाँ लास्ट में एस एस एच सी एच एक्स और जेड था, यहाँ पर लास्ट में ओ हो तो हमेशा क्या लगेगा, ईएस। जैसे लाइक मैंगो, तो मैंगो लास्ट में ओ है तो क्या बन जाएगा, एम एन जी ओ ई एस, मैंगोज, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ओ था। ऐसे आप एग्जाम्पल कोई से भी ले सकते हो, लास्ट में बस ओ होना चाहिए, उन सब में अपन को ई एस लगाना है। ऐसे ही पोटेटो है, जैसे पी ओ टी ए टी ओ, पोटेटो आलू, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कार्गो, तो लास्ट में जब भी ओ दिखे तो उसमें हमेशा क्या लगाना है, सी आर जी ओ ई एस लगाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल, इको का इकोसिस, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो मेरी बात समझ में आ गई, जब भी लास्ट में ओ हो तो हमेशा वहाँ पर भी क्या लगेगा, ईएस। रूल नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हैं वोवल्स हैं। अच्छा, किन्हीं किन्हीं बच्चों वोवल का नहीं पता, लिखा देता हूँ। देखो वोवल्स होते हैं पांच, वोवल्स का हिंदी में कोई मतलब नहीं, वोवल्स और कॉन्सनेंट इनका बस याद रखना है। तो ये होते हैं पाँच, ए ई आई ओ और यू, समझ पा रहे हो, ए ई आई ओ यू, ये आपको याद रखना है, पाँच वोवल होते हैं, ठीक है। स्वर, हिंदी में स्वर बोलते हैं, वैसे पांच वोवल आपको जब भी सेंटेंस में दिख जाए, पांच वोवल का मतलब इन वोवल्स में से, तो रूल यही है। रूल नंबर थ्री है कि जब नाउन में डबल वोवल हो, डबल वोवल्स हो, तो क्या लगेगा, एस। वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर थ्री, जब नाउन में, नाउन मतलब कोई स्पेलिंग जो लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड में लास्ट में क्या हो, डबल वोवल्स हो, वही सेम रूल, लास्ट में है ना, नाउन के लास्ट में, नाउन के लास्ट में डबल वोवल हो तो एस लगेगा। लाइक एग्जांपल, ये सुना भी होगा आपने, ट्री, लास्ट में वोवल है, ई वोवल होता है और डबल वोवल है ई ई, तो क्या बनेगा, ट्रीज, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लिया बी, तो क्या बनेगा, बीज, सिर्फ एस लगेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके आपको रूल लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और ये एक्सेप्शन नहीं है, फिक्स है कि जब भी डबल ई या फिर इन वोवल में से रिपीटेशन जब भी आपको दिखेगा, हमेशा आपको एस लगाना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट लूँ, जैसे कि ये तो भी सेम टू सेम थे, अब मैं अगर बात करूँ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो अपने एस एस टी पढ़ा था, तो लास्ट में दो वोवल है, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम हो, समझना मेरी बात को ना, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम हो, आई और ओ ये भी तो दो ही वोवल है, अपने बात की डबल वोवल्स हो, दो स्वर हो, तो भी क्या लग जाएगा, एस, पी ओ आर टी, पोर्टफोलियो और एस, बस मेरी बात समझ में आ गई। जब लास्ट में दो वोवल हो तब भी, तब एस लगेगा, यस नहीं लगेगा, ये बात आपको 100%। जैसे एक एग्जांपल ले लो, रेडियो, लास्ट में क्या है, आई ओ, दो वोवल है तो रेडियोज, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस इन रूल्स को आपको लर्न करना है, ओके। दी वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर थ्री कंप्लीट। रूल नंबर फोर फिर एक इंपॉर्टेंट रूल, कैसे इसको अच्छे समझना, कि जब भी, पूरी बात को समझना पहले, नाउन के लास्ट में या अंत में, मेरी बात सुनना है ना, लास्ट में या अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, सॉरी वाई हो, वाई हो, जब भी नाउन के अंत में वाई हो, अभी एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आ जाएगी, और वाई से पहले, पूरी बात को समझना, किसी वर्ड के लास्ट में अंत में वाई हो, ऐसा मान लो आप, तो वाई से, और उस जो लास्ट में वाई है उस वाई से पहले, जो लास्ट का वाई है ना उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब समझते हो, मतलब व्यंजक, अभी बात की थी अपन ने स्वर की, मतलब वोवल्स की, और ए ई आई ओ यू इन पांच को छोड़ के बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। वापस सुन लो, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, पूरी बात को समझना, कॉन्सोनेंट का मतलब
AEIOU पांच को छोड़कर जितने पीछे होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। तो जब भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजक हो, ठीक है, ये तो ब्रैकेट की चीज़ है, कॉन्सोनेंट हो तो ध्यान समझना, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। मेरी बात पूरी समझना, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ में आ गई? जब भी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी हो, अकेले वाई से काम नहीं चलेगा, तो वाई को हटाना है और वाई की जगह क्या लगाना है? वाई को हटाकर, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वाई को हटाकर कोमा वाई की जगह आई ई एस लगाना है, वाई को हटाकर वाई की जगह आई ई एस लगाना है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा क्राई, क्राई मतलब रोना, तो देखो लास्ट में क्या है वाई और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आर है ना, आर मतलब इन पांच को छोड़ के जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई से पहले आर, इसका मतलब सी आर, वाई को हटा दो वाई हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? आई एस। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्राई का क्राइस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई एस लगेगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब बहुवचन प्लूरल बनाना आप सीख जाओगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो लेते हैं अपन, लाइक कंट्री, ठीक है, तो लास्ट में देखो वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो सी ओ यू एन टी आर, तो ठीक है वाई हट जाएगा आई एस लग जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और ले लो, कंट्री हो गया, क्राइज हो, कुछ डिफरेंट लो, जैसे लाइक फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, उड़ना, लास्ट में वाई और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या करो वाई को उठाओ और आई ई एस लगा दो। तो बहुत ईजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बस वाई को देखो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट को देखो, वहाँ पर हमेशा एस लगाना और आई ई एस लगाना है, ठीक है, वाई को हटाकर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर फोर कंप्लीट। अब रूल नंबर फाइव, ये थोड़ा फोर से रिलेटेड, ये उससे मिलता जुलता ही है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि नाउन के लास्ट में, अच्छे समझना, वाई हो, थोड़ा वैसा ही है, मतलब कॉन्सोनेंट किसी का वोवल है, वाई हो और वाई से पहले क्या हो? वोवल्स हो। पूरी बात को समझना, जब भी नाउन के कोई, ऐसे मान लो स्पेलिंग के पीछे वाई हो और वाई से पहले वोवल्स हो, ठीक है, तो वाई को नहीं हटाना, ध्यान रखना वाई को नहीं हटाना है, सीधा एस लगाना है। थोड़े मैं मेरे शब्दों में लिखा रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, कि जब सेंटेंस के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वोवल्स हो, उसमें कॉन्सोनेंट हो, इसमें वोवल है, कॉन्सोनेंट होगा तो वाई हट के, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वाई हट के आई एस लग जाता है, इसमें वोवल्स हो कॉन्सोनेंट की जगह तो वाई हटेगा नहीं, सीधा एस आ जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया प्ले, लास्ट में वाई और वाई से पहले क्या है? वोवल है, क्योंकि वोवल होते हैं पाँच, ए ई आई ओ यू इन पाँच में से है, देख लो ये रहा ए, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवल है, तो प्ले का प्लेज हो जाएगा, वाई हटेगा नहीं, समझ में आ गई। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल और लूँ, जैसे कि डंकी, तो डंकी क्या हो जाएगा? डंकीज, क्योंकि वाई के पहले क्या है? ई है। मंकीज, मंकी का मंकीज, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ईजी ईजी है, ठीक है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट रूल हो रहा है, अच्छा पहले मेरी बात सुन लो, एस या ई एस के साथ साथ में अपन सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी सीख रहे हैं आज के वीडियो में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हद ही नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आता है। तो वापस एक रूल लिखो, रूल नंबर सिक्स, वो ये होगा कि जब भी नाउन के लास्ट में, ध्यान रखना, एफ या एफ ई, मेरी बात सुनो, एफ या एफ ई हो तो F या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी नाउन के लास्ट में F या एफ ई हो तो F या ई एफ को, एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाना है, वो उसका क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लाइक एग्जाम्पल लिया लाइफ, लाइफ लास्ट में एफ ई है तो क्या बन जाएगा? एल आई एफ ई को हटाना है और वी ई एस लगाना, लाइव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एक वचन है सिंगुलर, सिंगुलर का प्लूरल बनाने आपने लाइव्स हो गया, समझ पा रहे हो, एफ ई हट गया। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लूँ, नाइफ, चाकू,
लास्ट में एफ ई ए तो के एन आई वी ई एस लगाना है। ऐसे ले लो वाइफ तो इसका क्या बन जाएगा, एफ ई हटा दो डब्ल्यू आई और वी एस वाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इनको आपको समझना है, बहुत ज्यादा लर्न करना है तुरंत, ठीक है। ऐसे ही एफ से कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ले लेता हूँ, जैसे कि लीफ। लीफ मतलब पत्ती होती है ना, तो पेड़ की, तो एल लीफ, लीफ का लास्ट में एफ है। देखो ध्यान रखना, एफ ई तो है नहीं, सिर्फ एफ है, तो क्या करेंगे अपन, एल ई ए एफ हट जाएगा और वी ई एस लगाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, रूल नंबर 6 कंप्लीट। ऐसे एक रूल नंबर 7 और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, कि जब नाउन्स में ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनको अगर प्लूरल बनाना चाहेंगे अपन, बहुवचन बनाना चाहेंगे, तो उनके इनसाइड वोवल्स में चेंज करना पड़ता है। इनसाइड वोवल का मतलब एग्जांपल होगा तब समझ में आएगा। इनसाइड का मतलब जैसे मैंने लिया मैन, एम एन मैन, आदमी होता है, इसका प्लूरल अगर मुझे बनाना है तो इसके अंदर इनसाइड वोवल कौन है, ए, तो मैन का मैन हो जाएगा एम ई एन, मतलब ए का ई हो जाएगा, तो ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है। मैन का मैंस नहीं होता यहाँ पर, ऐसे ऐसे आता ही नहीं है, इसके अंदर चेंज करना पड़ता है, तो मैन का मैन एम ई एन एम एन, ठीक है। ऐसे वूमेन, डब्ल्यू एम एन हो जाएगा वूमेन, मतलब ए डब्ल्यू ओ एम ए एन ए की जगह ई, वूमेन, समझ पा रहे हो। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले दूँ, टूथ दांत, इसका हो जाएगा टीथ, डबल ओ का डबल ई, ठीक है। तो ऐसे खूब एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो, जो इंटरनल चेंज होते हैं, मतलब उनके इनसाइड अंदर के जो वोवल होते हैं, अंदर के जो स्वर होते हैं, वो चेंज होने से उनका प्लूरल यानी कि बहुवचन बन जाता है। तो बहुत एग्जाम्पल, इनको कुछ प्रैक्टिस करनी है आपको, तो मैं एड्रेस लिख देता हूँ, उनको आप उतार लेना, ठीक है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल और उतार लो, बहुत है, ठीक है। जैसे माउस का माइस, फूट का फीट, लोज का लाइस, इसका मतलब जूं होता है भाई, जूं, ठीक है, उसका एल आई सी। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएंगे, नोट्स अच्छे से बनाना और तुरंत आज याद करना इनको, ठीक है। रोल नंबर 8 बड़ा ईजी है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं, देखो ऐसे नाउन जिनमें अपन क्या करेंगे, लास्ट में अगर ई एन लगा देंगे, ध्यान रखना लास्ट में ई एन लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल का मतलब बहुवचन। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, चाइल्ड, बच्चा, मतलब ये चाइल्ड एक वचन है, इसका प्लूरल अगर बनाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, चिल्ड्रन, मतलब ई एन, तो कुछ नाउन के लास्ट में ई एन लगा दो। ऐसे ही ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन, इस आर पे मत जाना, कॉमन सेंस है, स्पेलिंग चिल्ड्रन होती है, वैसे रूल ई एन का है, इस आर पे मत जाना कि इसमें आर था ही नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिस भी ये कुछ इस, ये तो एक दो एक्सेप्शन इंग्लिश में होते हैं ये स्पेलिंग के, बाकी जिस भी सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस बहुत सारे और भी स्पेलिंग्स होती है जो आपके खैर अपने इतनी लेवल की वो काम आती है। ऑक्स का ऑक्सीजन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, बहुत काम के रूल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल की बात मैं करूँ तो रूल नंबर 9, और वो हैं जब आपको कंपाउंड नाउन मिले, कंपाउंड नाउन समझना अच्छे से, के मुख्य शब्द, मुख्य शब्द का मतलब होता है मेन वर्ड, खुद जो मेन वर्ड होगा उसमें एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। देखना एग्जांपल से कोई चीज समझ आती है, जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, तो इसका बन जाएगा मदर्स इन लॉ, मेरी बात समझना, ये मेन वर्ड मदर है इसमें, तो मदर का मदर्स हो जाएगा, बाकी एज इट इज, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ प्लूरल होता है। जैसे सिस्टर इन लॉ, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा हर जगह काम आती है, कॉमन सेंस भी है थोड़ा, तो इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो ऐसे खूब एग्जाम्पल है जो ऐसे रूल अपन लिख सकते हैं, ये था अपना रूल नंबर 9। तो इस तरीके से टोटल 9 रूल बने, इन 9 रूल को बहुत बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस करना, फिर बिना देखे लिखना एक पेज पर पूरे 9 के 9 रूल, कुछ एग्जांपल साथ में लिखते हो, इस तरीके से परफेक्ट हो जाना, क्योंकि टेंस में चाहे एक्टिव पैसिव नरेशंस, कोई भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट, जहाँ पर भी आप मॉडल्स कहीं पर भी लगाओगे इंग्लिश के अंदर, लाइफ टाइम ये रूल आपके काम आएंगे। सारे रूल मैंने इकट्ठे लिख दिए आपके लिए, बहुत काम आएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ओके।